नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। आप देख रहे हो ऑटो मास्टर और स्वागत है आपका ऑटो टॉक्स विद पबजी के पहले एपिसोड में। तो फिर आइए देखते हैं। तो फिर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया है, मैंने बहुत दिन हो गया कोई वीडियो अपलोड ही नहीं किया है। 100 सब्सक्राइबर्स हुए, उसके बाद वो हाथी का एक वीडियो लाया, शायद वो भी आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। यार बता दो मुझे नीचे कमेंट्स में कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, उसके हिसाब से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियो लाऊंगा। अब जैसे कि आज का वीडियो कुछ अलग लाया हूँ, अब आगे से ऐसे वीडियो लाऊंगा अगर आप कहते हैं तो। फिर आइए हम न्यूज़ ऑटो टॉक्स को कंटिन्यू करते हैं पबजी के साथ। तो फिर देख रहे हैं आप, पबजी खेल रहा हूँ मैं और यहाँ पे आपके लिए न्यूज़ लाया हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास मारुति डिज़ायर की स्पेशल एडिशन के बारे में न्यूज़ है। तो फिर मारुति डिज़ायर, आपको पता है सबसे पहले ही वो बेस्ट सेलिंग कार है उसके सेगमेंट में और ऊपर से पूरे कंट्री में। और बेस्ट सेलिंग कार को आगे बरकरार रखने के लिए, वो एक बूस्ट देने के लिए, वो अपनी एक नई स्पेशल एडिशन डिज़ायर सेडन की स्पेशल एडिशन को इंडिया में अनाउंस कर रहे हैं। और अब वो गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। तो फिर अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर ये गाड़ी खरीद लेना, ज़्यादा महंगी नहीं है। आगे मैं प्राइसिंग उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो फिर अब ये गाड़ी दोनों पेट्रोल और डीजल एडिशन दोनों के साथ अवेलेबल है। आगे ये गाड़ी, अब प्राइसिंग की बात करेंगे हम। तो फिर प्राइसिंग 5.55 लैक्स। उसके पास दो एडिशन है, डीजल का एडिशन होगा LDI एडिशन और पेट्रोल का एडिशन होगा LXI एडिशन। तो फिर पेट्रोल LXI एडिशन की प्राइस है 5.55 लैक्स और डीजल LDI एडिशन की प्राइस है 6.55 लैक्स। और ये गाड़ी सिर्फ LDI और LXI एडिशन में ही अवेलेबल है, खरीदनी है तो देख लो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ स्पेशल एडिशन स्पेशल एडिशन, लेकिन इस गाड़ी में कुछ स्पेशल तो आपको दिखा नहीं होगा अभी तक। तो फिर इस गाड़ी में स्पेशल क्या है, ऐसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो फिर इस गाड़ी में है ये 2018 की स्पेशल एडिशन है, जो कि आ जाती है एक 2 स्पीकर्स ब्लूटूथ स्टीरियो सिस्टम से। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है इस गाड़ी में, फ्रंट पावर विंडो है, एलिगेंट व्हील कवर और एक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आ जाता है। अब ये गाड़ी एक नई जनरेशन प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनाई गई है और अब ये नई डिज़ायर लंबी है, वाइड है, शॉर्ट है और लाइटर है उसके पुराने वेरिएंट, मतलब जो कि अभी सेल में चल रहा है ऑन आउटगोइंग वेरिएंट के से अच्छी है। और अब इस गाड़ी में AMT ऑप्शन भी आ जाता है जो कि गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे सिर्फ एक्सटीरियर अपडेट्स बताएं या फिर थोड़े से अपडेट्स बताएं। तो फिर अब आगे इस गाड़ी में सिर्फ बाहर के अपडेट्स या फिर ऐसे ही अपडेट्स नहीं है, अंदर भी इनके कंफर्ट सब चीज़ों को लेके गाड़ी को एकदम स्पेशल एडिशन से बनाया गया है। तो अंदर के इनसाइड के अपडेट के बारे में बात करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाता है नया डैशबोर्ड, ज़्यादा कंफर्टेबल सीट, हाई रेस MID, डुअल पॉड, इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो कि एल्यूमिनियम इंसर्ट किए जाते हैं रिम में, टायर में एल्यूमिनियम आ जाते हैं। अब आगे इस गाड़ी में ज़्यादा पैर रखने के लिए ज़्यादा जगह बढ़ा दी गई है और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी में। अब सबसे पहले हम इंजन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो फिर इंजन ऑप्शन पेट्रोल एडिशन का 1.2 लीटर है और 1.3 लीटर है डीजल एडिशन का। अब ये दोनों ही 5 स्पीड MT से मिल जाते हैं। आगे इसके माइलेज की बात करते हैं तो फिर इसकी माइलेज है 22 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल की माइलेज है और 28.4 किलोमीटर पर लीटर डीजल की माइलेज है। और यही सब चीज़ें इस गाड़ी को, इस डिज़ायर को इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार बना देती है। तो फिर चलिए
आगे देखते हैं कि हमारे पास अगला अपडेट क्या है, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो फिर अगला अपडेट हमारे पास यामाहा R15 V3 के बारे में है। तो फिर क्या हुआ है, यामाहा R15 V3 की प्राइस यामाहा ने बढ़ा दी है। अब पहले उसकी प्राइस थी 1.25 लैक्स और अब उसकी प्राइस है 1.27 लैक्स। अब इसके लिए, ये प्राइस हाइक के लिए कंपनी ने कोई हमें रीज़न तो बताया नहीं है, लेकिन ये प्राइस भी, इस प्राइस में भी अभी तक ये गाड़ी बेस्ट उसके मनी के लिए, उसकी वैल्यू के लिए सबसे बेस्ट है, उसके सेगमेंट में 150 सेगमेंट में सबसे बेस्ट ओरिएंटेड बाइक में ये सबसे पहले नंबर पे आ जाती है। और सबसे पहली बात कि ये अभी तक का सबसे पहला प्राइस हाइक है इस गाड़ी के लॉन्च से लेके अभी तक। आगे हमारे पास इसके थोड़े से कलर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो कलर हमारे पास आ जाता है थंडर ग्रे और रेसिंग ब्लू इस बाइक के लिए। और मुझे AKM मिली है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि पहले से मेरे पास AKM है। अब आगे इसके फीचर्स की बात करते हैं इस बाइक के, पबजी के नहीं, आगे फीचर्स हैं इसके। ये पावर हो जाती है 155 CC सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से, जो कि ऑफर करता है 19.3 PS पावर एट 10,000 RPM और 15 Nm टर्क्यू एट 8,500 RPM, जो कि मिल जाता है एक 6-स्पीड गियरबॉक्स से। और ऊपर से वो उसके साथ एक स्लिप असिस्ट क्लच भी आ जाता है। आगे सस्पेंशन की बात करते हैं, तो फिर यामा R15 V3 का सस्पेंशन एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है आगे आगे के साइड में, और पीछे मोनोशॉक है जो कि शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा खड्डों में से, आपको शॉक नहीं लगे। तो फिर आगे इसके ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं, तो फिर इसमें 282 mm का फ्रंट ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है, और पीछे 220 mm का रियर डिस्क ब्रेक आ जाता है। और ऊपर से यामाहा ने हमें बताया है कि इस बाइक में ABS भी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन वो 2019 में इसी मॉडल में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आगे मुझे एक कार मिल गई है, वो गाड़ी लेके मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, उसे पिकअप करूंगा और आगे जाएंगे गेम में और किल्स लेने को। अब आगे हमारे पास है अगला अपडेट, जो कि हीरो होंडा CBZ मॉडिफाइड एडिशन के बारे में है। तो फिर अब हीरो होंडा CBZ, जो कि 1999 में लॉन्च हुई थी, उसको मॉडिफाई करके एक कैफे रेसिंग कार बन गई है, वो एक कैफे रेसिंग रेसर बन गई है इन शॉर्ट। और ये कैफे रेसर को जिसने मॉडिफाई किया है, उस कंपनी का फाउंडर का नाम है वरुण जीत भिंडर। अब इस गाड़ी ने बजाज पल्सर 200 NS से बोरो की है उसकी हेडलाइट, और KTM ड्यूक से उसका फ्रंट फोक, ऐसे फूला हुआ आगे का फ्रंट फोक, और बाकी सारी चीज़ें, उसकी बॉडी वर्क, वो सारी चीज़ें हाथों से बनाई है, हैंडमेड बाइक है ये पूरी। और ये बाइक बहुत सारे मैन आर्स, मतलब बहुत अच्छी स्पीड देती है और मैन आर्स में इन्वॉल्व हो जाती है। अब आगे इसके डिस्क ब्रेक, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो उसके गाड़ी में डिस्क ब्रेक लगा दिए गए हैं दोनों साइड में, जो कि इनके ब्रेकिंग सिस्टम को बहुत इंक्रीज कर देता है और बाइक बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम दे देती है। आगे अब इस बाइक में एक, आपने देखा होगा इमेज में कि उसके टायर में वाइट कलर का वो भी कलर भी लगाया हुआ है उसकी शो के लिए। अब ये इसके टायर्स में एक 18 इंच 80 स्पोक को इंक्लूड किया है, 18 इंचेस के टायर है और उसमें 80 स्पोक्स लगे हुए हैं। दूसरे एलिमेंट जो कि हैंडमेड है, उनका नाम है ब्राउन ब्राउन लेदर सैडल, कस्टम रेड फ्रंट और रियर टायर हगर्स। अब मैंने गाड़ी चेंज की पबजी में, क्योंकि इस गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल है, फिर क्या है, गैस कैन तो अभी तक मिला नहीं है, गैस कैन मिलने के बाद इसको रिफ्यूल कर दूंगा पूरी तरह से। आगे LED DRLS अलॉय ब्रेक और
क्लच लीवर्स, रेड फिनिश्ड परफॉर्मेंस एयर फिल्टर और एक कस्टम एग्जॉस्ट पाइप इस बाइक में लगाई गई है जो कि उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अब ये बाइक का सीसी इंजन को भी बढ़ा दिया गया है। पहले इसका 157 cc इंजन था जो कि एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन था, उसको चेंज कर दिया है 200 cc के इंजन में। अब आगे इस बाइक के बारे में बात करेंगे तो फिर इसकी परफॉर्मेंस फिगर ज़्यादा जानी मतलब ज़्यादा बताई नहीं गई है, कंपनी ने ज़्यादा हमें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ इसके पिछले स्टॉक मॉडल में से। तो फिर ये एक आइडिया दे देती है, मतलब इसमें 12.6 HP और 12.7 Nm torque आ जाता है, जो कि हमने देखा गया था एक स्टॉक मोटरसाइकिल से जो कि इसका पहला पुराना हीरो होंडा 1999 वेरिएंट था। और अब ये CBZ सबसे पहली है बाइक है सबसे पहली बाइक है जिसने 5-speed गियर बॉक्स हमें दिया था, सबसे पहली बाइक, और वो बाइक लॉन्च हुई थी 1999 में। तो फिर अब क्या है, ज़्यादा अपडेट्स तो आए नहीं है, लेकिन मैंने बहुत दिन हो गए वीडियोस भी बनाए नहीं है, लेकिन मुझे बताना ज़रूर कि आपको ऐसे पबजी के वीडियो, ऑटो टॉक्स के वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं, या फिर आप सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं स्क्रीन के सामने को मुंह हिलाते हुए और बोर होना चाहते हैं, वीडियोस को पूरा नहीं देखना चाहते हैं। बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, मेरा पबजी गेम प्ले कैसा लगा। और सॉरी दोस्तों, ये वीडियो को मैं एंड तक लेके नहीं जा पाया क्योंकि वो जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था वो बीच में से ही बंद हो गया, इसलिए मेरी मैच आधी रह गई। फिलहाल तो मैं उस गाड़ी के टायर पंचर कर रहा हूँ जिससे कोई भाग ना सके उस गाड़ी में से। और खास बात है कि ये मैच मैं जीतने वाला हूँ मेरे दोस्त फ्रीडम के साथ। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद। और बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चाहते हो या नहीं मैं आपके लिए ऐसे ही पबजी गेम प्ले और ऑटो टॉक्स को, ऑटोमोबाइल न्यूज़ को मिक्स करके लाता रहूँ। और अगर आप नए यूज़र, नए मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ओल्ड यूज़र हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो। जिससे क्या होगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, इस चैनल को ग्रो होने में ज़रा सी हेल्प हो जाएगी। और आगे देखते रहो इस गेम प्ले को, हम अब बस वीडियो को एंड कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।